Hello students, welcome back to Meta Digital Classes. Today we'll be studying chapter number 2, fraction or decimal. देखो fraction और decimal के बारे में अपन study करेंगे. जो previous class थी, उस previous class के अंदर अपन ने किसकी बात की थी? Fraction के बारे में बात की थी. ठीक है, जो भी previous में जो last के जो video बनाए थे अपन ने, 1 से 2 या 3 parts हुई थी, वो किसके थे? Fraction के हैं. आज अपन किसकी बात करेंगे? यहाँ पे डेसिमल नंबर की बात करेंगे. तो डेसिमल नंबर क्या होगा? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन. तो हे फ्रैक्शन हूज, यानी जो डेसिमल नंबर होगा वो किसकी फॉर्म में होगा? फ्रैक्शन की फॉर्म में होगा. तो ए फ्रैक्शन हूज डिनोमिनेटर, जो जिसका डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर क्या होगा? इज एनी ऑफ 10, 100 और 1000. तो ये नंबर, यानी जो नंबर होगा आपका, उस नंबर किसकी फॉर्म में होगा? फ्रैक्शन की फॉर्म में होगा. लेकिन फ्रैक्शन की फॉर्म में जो डिनोमिनेटर होगा, वो डिनोमिनेटर किसकी फॉर्म में होगा? 10 की पावर के ऊपर में होगा. किसके ऊपर में? 10 की पावर. कैसे? 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया. कौन? डिनोमिनेटर. कौन? डिनोमिनेटर. एग्जाम्पल देखो, जैसे मेरे पास क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल के तौर पर कि 13 अपॉन 100, ये आपका डेसिमल नंबर है तो फ्रैक्शन नंबर ही है. लेकिन इसको डेसिमल में देखो कैसे कन्वर्ट करोगे. नीचे कितनी जीरो है? 20, 1 और 20 है. तो ऊपर जो न्यूमरेटर है, इस न्यूमरेटर को क्या करोगे? इधर से 2 पॉइंट, राइट साइड से 2 पॉइंट छोड़कर क्या लगाओगे यहाँ पे? जीरो. तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा आपका? 13. तो ये नंबर कौन सा होगा आपका? डेसिमल नंबर. तो जो डेसिमल नंबर होगा वो क्या होगा कि जो डिनोमिनेटर है, उस डिनोमिनेटर की जो फॉर्म होगी वो क्या होगी? 10 की पावर के अंदर होगी. इसके ऊपर होगी 10 की पावर. 10 की पावर का मतलब क्या होगा कि जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर 10 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है. तो इस प्रकार की जो फॉर्म में होगा वो क्या होगा? आपका डेसिमल नंबर होगा. अब देखो जो डेसिमल नंबर है, एक एग्जाम्पल लो, जहां पे यहां पे लिखा हुआ है 3, 4, 5 और 2. अपॉन में क्या लिखा हुआ है? यहां पे 1000 लिखा हुआ है. क्या लिखा हुआ है? 1000 लिखा हुआ है. अब देखो इसको डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखोगे? देखो नीचे 1, 2, 3, 3 0 है ना, तो ऊपर से इधर से 2, इधर से 3 डिजिट छोड़ो, 1, 2, 3, ये 3 डिजिट छोड़ दिया और फिर क्या आएगा आपका? पॉइंट आएगा. तो ये क्या हो गया आपका? डेसिमल नंबर हो गया. ठीक है, अब जो आपका डेसिमल नंबर है, इस डेसिमल नंबर को अपन कैसे कन्वर्ट करते हैं? जो भी नंबर होगा, जो भी डेसिमल नंबर होगा वो किसकी फॉर्म में होगा? अपॉन में. जो डिनोमिनेटर है उस डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 10 की पावर आएगी. क्या आएगी? 10 की पावर. दो एग्जांपल देखो, 7 अपॉन 10, 7 अपॉन 10 है. अब इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे नीचे 0 1 है, तो 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट आ जाएगा. तो 1 डिजिट छोड़ा और ये क्या गया आपका? पॉइंट आ गया. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, 17 अपॉन 100, 17 अपॉन 100, 20 है. तो इधर से छोड़ना आपको, राइट साइड से 2 डिजिट छोड़नी है, 1 और 2 डिजिट छोड़ दिया, यानी 1 और 2 डिजिट, फिर क्या गया आपका? पॉइंट आ गया. इस प्रकार से जो नंबर गिवन है उनको आप डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. अब देखने एक बार, जो डेसिमल नंबर है उस डेसिमल नंबर को क्या करना है, उस डेसिमल नंबर में आपको क्या चेक करना है कि इस डेसिमल नंबर को कैसे रीड करते हैं. जो डेसिमल नंबर लिखा हुआ है, इस डेसिमल नंबर को कैसे रीड करते हैं? तो देखो सबसे पहले आपका कोई भी डेसिमल नंबर लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 245.37, ये नंबर लिखा हुआ है. इस नंबर को आपको किसकी फॉर्म में लिखना है? डेसिमल में लिखना है. डेसिमल में रीड करना है और डेसिमल में उसको नोट करना है. तो कैसे करोगे? देखो पॉइंट, ये जो 37 है ना, ये 37, ये तो क्या है? डेसिमल नंबर है. कौन सा नंबर है ये? तो क्या है आपके? डेसिमल नंबर है. कौन सा नंबर है? डेसिमल नंबर. डेसिमल नंबर है. और ये जो पॉइंट से पहले का नंबर है, ये कौन सा नंबर है आपका? वोल नंबर है. कौन सा नंबर है आपका? वोल नंबर है. यानी ये वोल नंबर है और ये कौन सा नंबर है आपका? डेसिमल नंबर है. अब इसको रीड कैसे करोगे? पॉइंट से पहले जो आपके नंबर है उनको अपन एक साथ रीड करेंगे. 245
245.37 इनको आप वन वन करोगे, थ्री और सेवन इनको आप वन एक साथ अपन क्या कर सकते हैं इसको स्पीक करके बोलेंगे, तो 200 देखो वन टेन्स और हंड्रेड तो 245.37 तो इस प्रकार से अपन जो डेसिमल नंबर है उनको क्या करते हैं रीड करते हैं। अब देखो एग्जांपल देखो, जैसे मेरे पास में लिखा हुआ है 4697 पॉइंट, यहाँ पे लिखा हुआ है 386 ये लिखा हुआ है। अब पॉइंट से पहले के जो नंबर है वो कौन से नंबर है आपके वो नंबर है, और पॉइंट के बाद की जो नंबर है वो कौन से है आपके डेसिमल नंबर है, कौन से नंबर है डेसिमल नंबर। अब इस नंबर को रीड कैसे करोगे और फिर नोट कैसे करोगे, तो पहले रीड करना और फिर नोट करोगे, तो पॉइंट से जो पहले के नंबर है वो नंबर उनको नोट कैसे कर रीड कैसे करते हैं, वंस टेंस थाउजेंड और टेन थाउजेंड, वंस हंड्रेड वंस टेन हंड्रेड और थाउजेंड, तो 4697 4697 ये तो हो गया पॉइंट से पहले। और फिर क्या लिखोगे पॉइंट, पॉइंट भी लिखोगे 4697.386 इस प्रकार से अपन उसको क्या करेंगे नोट भी करेंगे और उसको रीड भी करेंगे। ठीक है, पॉइंट से पहले क्या हो गया आपका वो नंबर है, और जो पॉइंट वाले नंबर है ये कौन से नंबर है आपके डेसिमल नंबर है। ठीक है, अब जो डेसिमल नंबर है इस डेसिमल नंबर को टू पार्ट में डिवाइड किया। अब सुनो एक बात, यहाँ पे जो डेसिमल है वो कितने पैलेस पे है, हंड्रेड पैलेस पे है, कितने पैलेस पे है हंड्रेड पैलेस पे है, यहाँ पर सॉरी हंड्रेड पे टेंस पे वंस और टेन पे, तो यहाँ पे जो पैलेस है वो यहाँ पे टू पैलेस पे है, यहाँ पे जो डेसिमल है वो कितने पैलेस पे है टू पैलेस पर है, और यहाँ पर जो डेसिमल है वो कितने पैलेस पर है थ्री पैलेस पर है, थ्री स्थान पर है वो, वन टू थ्री स्थान पर है, यहाँ पे वन टू और थ्री स्थान पर है टू स्थान पर ही है, तो ये टू डिजिट के बाद में और ये कितने हैं थ्री। तो अगर आपसे ये पूछ लीजिए कि डेसिमल का पैलेस कौन सा है डेसिमल का स्थान कौन सा है, तो यहाँ पे दूसरे नंबर का स्थान है और यहाँ पे क्या है आपका तीसरे नंबर का यानी फोर्थ नंबर पे है, और यहाँ पे थ्री नंबर पे क्या है आपका पॉइंट है, यहाँ पे थ्री नंबर पे पॉइंट है और यहाँ पे फोर नंबर पे क्या है आपका पॉइंट है। अब देखो एक तो है आपका लाइक डेसिमल और एक है आपका अनलाइक डेसिमल। देखो लाइक डेसिमल क्या होगा, जब डेसिमल नंबर है, अब डेसिमल भी लाइक और अनलाइक है, जैसे फ्रैक्शन के अंदर लाइक और अनलाइक था आपका प्रॉपर इम्प्रॉपर था, तो वैसे आपका डेसिमल के अंदर भी क्या होगा लाइक और अनलाइक। देखो लाइक फ्रैक्शन क्या होगा कि लाइक फ्रैक्शन में आपको क्या करना होगा, बहुत सारे आपको पैर दिए होंगे, किसके डेसिमल नंबर के पैर होंगे, डेसिमल नंबर के पैर होंगे, अब वो पैर जो पैर है उस पैर में आपको ये देखना है ये वॉच करना है कि जो पॉइंट लगा हुआ है वो पॉइंट कहाँ कहाँ लगा हुआ है। देखो जैसे यहाँ पे देखो एग्जांपल के तौर पर देखना, ये हो गया 2.56 0.56 37.56 ठीक है सॉरी 5.6 कुछ भी लग रहा है, यहाँ पे 4.7 ले लो 9.39 देखो यहाँ भी पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है टू डिजिट है, यहाँ भी पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है टू डिजिट है, यहाँ भी पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है टू डिजिट है, और यहाँ भी पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है टू डिजिट है, तो क्या सभी के अंदर ही पॉइंट के बाद में टू डिजिट है क्या, तो ये सारे के सारे नंबर कौन से होंगे आपके, ये सारे के सारे नंबर कौन से हैं आपके लाइक डेसिमल है, कौन से हैं लाइक डेसिमल, यानी आपको पॉइंट से पहले नहीं देखना, आपको होल नंबर नहीं देखना, आपको क्या देखना है पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है, अगर पॉइंट के बाद में सेम डिजिट आता है किसी पैर के अंदर, ये बहुत सारे पैर है बहुत सारे डेसिमल नंबर है, अब इस डेसिमल में चार चेक करना है कि ये सारे के सारे लाइक है क्या, तो देखो पॉइंट के बाद में टू डिजिट, 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 यानी सबके बाद में क्या है पॉइंट के बाद में सब में सेम डिजिट है क्या, तो ये सारे के सारे क्या है लाइक है। लेकिन मैं अगर यहाँ पे दूंगा कि 39.467 क्या ये अब सारे लाइक है क्या, ये लाइक में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद में क्या गया थ्री डिजिट आ गए,
पॉइंट के बाद में अगर सेम डिजिट आता है, तो यहाँ पे लिखा गया है डेसिमल विद सेम नंबर, डेसिमल विद सेम नंबर ऑफ डेसिमल पैलेस। इन डेसिमल पैलेस क्या होगा कि ये डेसिमल पैलेस है, ये डेसिमल, यहाँ पे डेसिमल कितने पैलेस पर है, तीसरे नंबर पे, यहाँ भी तीसरे नंबर पे, यहाँ भी तीसरे नंबर पे, यहाँ भी थर्ड नंबर पे है, सब पे जो पैलेस है वो कितने नंबर, डेसिमल कितने, कौन से पैलेस पर है, थर्ड नंबर पे। यहाँ पे जो डेसिमल है वो कितने पैलेस पर है, 1 2 3 फोर्थ पैलेस पर है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका अंदर। तो अब जिसमें डेसिमल जो है वो कहां होगा, डिफरेंट नंबर होगा, डेसिमल जो नंबर होगा वो क्या होगा, डिफरेंट है। कैसे, एग्जांपल देखो, जैसे यहाँ पे 4.69, फिर 0.9, फिर 0.967, फिर 37.6142। देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद टू डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद में वन डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद में थ्री डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है, फोर डिजिट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉइंट के बाद में जो डिजिट है वो क्या है, डिफरेंट है। यानी पॉइंट क्या है, डिफरेंट डिफरेंट पैलेस पर है। अब पॉइंट डिफरेंट डिफरेंट पैलेस पर क्या है कि टू डिजिट छोड़ के पॉइंट, वन डिजिट छोड़ के पॉइंट, थ्री डिजिट छोड़ के पॉइंट, फोर डिजिट छोड़ के पॉइंट, नहीं जो डिजिट जो पॉइंट लिखा हुआ है वो पॉइंट है, वो डिफरेंट डिफरेंट पैलेस पर है, डिफरेंट डिफरेंट पैलेस पर। अब पैलेस का मतलब क्या हुआ, टू डिजिट के बाद में, वन डिजिट के बाद में, थ्री डिजिट के बाद में, फोर डिजिट के बाद में, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट डिफरेंट पैलेस पर है। तो ये कौन सा होगा आपका, अनलाइक डेसिमल नंबर, कौन सा होगा आपका, अनलाइक डेसिमल। तो सबसे पहले बात करेंगे कि डेसिमल क्या होगा, डेसिमल को कैसे रीड करते हैं और डेसिमल को कैसे रिटर्न करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, लाइक फ्रैक्शन कौन सा, लाइक डेसिमल कौन सा होगा और अनलाइक डेसिमल कौन सा होगा। अब बात करेंगे जो डेसिमल है उस डेसिमल में पैलेस वैल्यू, कौन सी वैल्यू, पैलेस वैल्यू। देखो आपने नंबर्स पढ़े, नंबर सिस्टम पढ़ा था, नेचुरल नंबर में टू का पैलेस क्या होगा, एक तो पैलेस वैल्यू होती है और एक होती है फेस वैल्यू, एक तो है पैलेस वैल्यू और एक है फेस वैल्यू। तो फेस का मतलब क्या होगा कि जो नंबर दिख रहा है वही फेस वैल्यू है। जैसे यहाँ पे टू है, टू का फेस क्या है, टू ही है, टू का फेस क्या है, टू है। लेकिन वो एग्जाम्पल देखो 3 9 6 7 8, यहाँ पे सिक्स की फेस FACE, सिक्स की फेस वैल्यू क्या है, सिक्स ही है, सिक्स की फेस वैल्यू क्या है, सिक्स ही है। लेकिन सिक्स की पैलेस वैल्यू, पैलेस वैल्यू क्या है, वंस टेंस और हंड्रेड्स, तो क्या हो गया आपकी 600, कितनी रह गई इसकी पैलेस वैल्यू, 600। तो फेस का मतलब तो जिस नाम से अपन उसको नॉमिनेट करते हैं वही क्या होगा, उसका फेस होगा। लेकिन पैलेस में क्या होगा कि कौन से नंबर पे है, वंस पे है, टेंस पे है या फिर हंड्रेड्स पे है, तो कहां पर है, हंड्रेड्स पे है। तो ये क्या हुई आपकी नेचुरल नंबर की फेस वैल्यू, पैलेस वैल्यू, नेचुरल नंबर की पैलेस वैल्यू। अब बात किसकी करेंगे कि डेसिमल नंबर की पैलेस वैल्यू क्या होगी, कौन से नंबर की, डेसिमल नंबर की पैलेस वैल्यू क्या होगी। तो देखो डेसिमल नंबर की पैलेस वैल्यू कैसे नोट करते हैं, देखो कैसे लिखते हैं पैलेस वैल्यू। देखो पैलेस वैल्यू क्या है, ये आपका डेसिमल नंबर है, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट होगा, पॉइंट से पहले, पॉइंट से बिफोर, बिफोर में क्या होगा, ये हो गया आपका वंस, पॉइंट के जस्ट की बात की डिजिट, इधर से क्या हो जाएगी आपकी वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लेके आगे चलती रहेगी। पॉइंट के आफ्टर, पॉइंट के बाद में, टेंथ, वन अपॉन टेन डिवीजन, हंड्रेड्थ, वन अपॉन हंड्रेड, थाउजेंड, वन अपॉन थाउजेंड, टेन थाउजेंड, वन अपॉन टेन थाउजेंड के रूप में। तो एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ मैं आपको, जैसे मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है 6, 3 और 4.56, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, इस 6 की पैलेस वैल्यू देखनी है, 6 की पैलेस वैल्यू। देखो कैसे लिखूंगा आपकी, ये आपका दशमलव है, पॉइंट है, तो यहाँ पे आ गया आपका 4, और 4 के यहाँ पे वंस है, क्या आपका 1, फिर यहाँ पे प्लस 3, क्या आपका 3 है, तो ये 3 है कौन से नंबर पे है, टेंस पे, तो यहाँ पे आ गया आपका 10, क्या आ गया आपका यहाँ पे 10, फिर प्लस, फिर 6 कौन से पैलेस पर है, हंड्रेड पे, तो वंस, टेंस और हंड्रेड, तो इसको किससे मल्टीप्लाई, हंड्रेड से। ये तो हो गया पॉइंट से पहले। अब पॉइंट के बाद में कैसे नोट करोगे, यहाँ पे प्लस आ गया, ऊपर आ गया आपका 5 और पॉइंट के जस्ट बाद में आपका 10, फिर प्लस, फिर 6 अपॉन क्या जाएगा आपका
100। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, जो नंबर गिवन है उनको, जो डेसिमल नंबर है उनको इस प्रकार से उनकी फेस वैल्यू के रूप में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, देखो एक एग्जांपल और देखना। जैसे मेरे पास में लिखा हुआ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जैसे 5253.17174 ये लिखा हुआ है, इसको क्या करना है, एक्सटेंड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये डेसिमल नंबर है, इस डेसिमल नंबर को एक्सटेंड फॉर्म में, ये एक्सटेंड फॉर्म में है, इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो पॉइंट से पहले के नंबर को कैसे कन्वर्ट करोगे, जैसे यहाँ पर 3 है तो 3 लिख दिया, अब पॉइंट के बाद में है, पॉइंट से जस्ट पहले है तो पॉइंट से जस्ट पहले क्या गया यहाँ पे 1 आ गया, फिर प्लस, अब ये हो गया 5, अब 5 कौन से पहले पर है, 10 पर, तो 1s और 10s, देखो 10s के लिए शोल्डर को 10s है, फिर प्लस में 2, अब 2 कौन से पैलेस पर है, 1, 2 और 3, तो यहाँ पे क्या जाएगा 100 पैलेस पर है, तो ये तो गया पॉइंट से पहले, पॉइंट के आफ्टर, पॉइंट के बाद में क्या होगा, 1 upon 10 plus 7 upon 100 plus 4 upon 1000। तो इस प्रकार से जो नंबर है उनको इस प्रकार से क्या करते हैं, एक्सटेंड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हो गया आपकी कौन सी, पैलेस वैल्यू, कौन सी वैल्यू, पैलेस वैल्यू। अब सुनो, जो आपको ये डेसिमल नंबर गिवन है, इस डेसिमल नंबर को मेरे को नोट करना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, 600 by 600 634 600 by 34 point 5 6, ये है, इसको इस प्रकार से नोट करते हैं। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन कहा जाएगा कि ये जो डेसिमल नंबर है, इस डेसिमल नंबर को कैसे रीड करते हैं और कैसे नोट करते हैं, तो 634 point 5 or 6। ठीक है, जो डेसिमल नंबर गिवन है उसको इस प्रकार से एक्सटेंड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब सुनो, जैसे आपकी एक्सटेंड फॉर्म आ गई और फिर इसको डेसिमल में कैसे लिखोगे, देखो जैसे यहाँ पे लिखा हो गया 2 into 10 plus 1 into 1 plus 1 upon 10 plus 2 upon 100। अब बताओ इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, देखो ये हो गया 2, ये गया 1, हो गया प्लस में, अब सुनो ये प्लस है ना, तो यहाँ पे पॉइंट 0 1, फिर उसके बाद में 0.02, ये हो गया। अब सुनो इनको प्लस करोगे तो कैसे हो जाएगा, ये 2 1 point 0.1 और 2, ये हो गया इसका कौन सा फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म में। तो अगर जो एक्सटेंड फॉर्म गिवन है उस एक्सटेंड फॉर्म में किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, डेसिमल में, और डेसिमल जो फॉर्म है उसको किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सटेंड फॉर्म में। और ये इसकी पैलेस वैल्यू, किसकी, डेसिमल नंबर की पैलेस वैल्यू। आपको बताना है कि ये जो 3 है इस 3 की पैलेस वैल्यू क्या है, तो पैलेस वैल्यू ऑफ 3, तो 3 की पैलेस वैल्यू क्या है, 3 की पैलेस 10, कितनी है 10, ये तो 30। अब मैं आपसे पूछूंगा कि 5 की पैलेस वैल्यू क्या है, तो 10, ये तो 10 है और ये 10 से है, तो यहाँ पे पहले 5 की वैल्यू आएगी 1 upon 5 upon 100, यानी 10 times। अब जिस बात करूंगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है 2, इस 2 की पैलेस वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे लिखोगे पैलेस वैल्यू ऑफ 2। 2 की पैलेस वैल्यू क्या होगी, 1s, 10s और 100, तो 2 की पैलेस वैल्यू क्या होगी, 100 होगी, ये लो। तो इस प्रकार से जैसे मेरे को लिखना है 4 की पैलेस वैल्यू क्या होगी, किसकी, 4 की पैलेस वैल्यू क्या होगी, तो 4 की पैलेस वैल्यू क्या होगी, 4 upon 1000s के रूप में होगी, तो ये क्या होगी, इस 4 की पैलेस वैल्यू। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पैलेस वैल्यू लिखनी है जो नंबर गिवन से। अब बात करता हूँ किसकी, कौन जो डेसिमल नंबर है उस डेसिमल नंबर में कौन ग्रेटर है और कौन स्मॉलर है, फिर आपको पहचानना है, और फिर जो डेसिमल नंबर है उन डेसिमल नंबर को आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना।
जो भी नंबर है उनको किसकी फॉर्म में असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना, उनको लिखना। लेकिन सबसे पहले मैं किसकी बात करूंगा यहाँ पे कि आपको यह पहचानना है कि डेसिमल नंबर कौन सा है, डेसिमल नंबर है उसमें ग्रेटर कौन सा है और स्मॉलर कौन सा है। जो भी डेसिमल नंबर है, जो भी डेसिमल नंबर है उसमें ग्रेटर कौन है और स्मॉलर कौन है। देखो कंपेयरिंग डेसिमल, तो कंपेयर कैसा करना है डेसिमल में, कौन ग्रेटर है और कौन लेस है। सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट कंपेयरिंग द होल नंबर पार्ट, यानी मैंने आपको बताया कि जो डेसिमल नंबर है उस डेसिमल नंबर में टू पार्ट है। जो डेसिमल नंबर है उसमें कितने पार्ट है, टू पार्ट है। एक तो होल नंबर का पार्ट हो गया और एक डेसिमल नंबर का पार्ट हो गया। तो सबसे पहला पॉइंट किसके लिए है, जो पॉइंट से पहले है उनको चेक करेंगे, यानी होल नंबर वाले जो पार्ट है उसको चेक करेंगे कि उनमें से कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है। एग्जांपल देखो, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट कंपेयर द होल नंबर पार्ट। पहले किसको चेक करना है अपने को, पॉइंट से पहले वाले पार्ट को चेक करना है। तो द डेसिमल विथ द ग्रेटर ग्रेटर होल नंबर्स पार्ट इज ग्रेटर। इसका मतलब क्या होगा कि अगर पॉइंट से पहले वाले नंबर को, किसको, पॉइंट से पहले वाले नंबर को अपन चेक करेंगे, अगर वो जो ग्रेटर होगा डेसिमल से ग्रेटर होगा वही क्या होगा आपका सबसे ग्रेटर होगा। एग्जांपल देखो, जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है 56.32 और एक नंबर लिखा हुआ है 46.56, ये नंबर लिखा या 46.56 लिखा हुआ है। अब चेक करना है पॉइंट से पहले कितना लिखा हुआ है 56, पॉइंट से पहले कितना लिखा हुआ है 46, ये भी आपका वोल नंबर है, ये भी आपका वोल नंबर है, इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा है, तो इन दोनों में से ग्रेटर तो यही है, तो यही नंबर क्या होगा आपका सबसे ग्रेटर होगा। तो इसमें यही है कि पहला पॉइंट क्या है कि आपको कंपेयर करना है, किस में कंपेयर करना है, पॉइंट से पहले वाले पार्ट को कंपेयर करना है, पॉइंट से पहले वाले पार्ट को क्या करना है, कंपेयर करना है। तो ये पॉइंट से पहले का पार्ट है, ये पॉइंट से पहले का पार्ट है, तो पॉइंट से पहले का पार्ट क्या है 56, यहाँ पे पॉइंट से पहले का पार्ट कितना है 46। अब दोनों वो नंबर है, इन दोनों वो नंबर में से कौन ग्रेटर है, यही ग्रेटर है, तो यही नंबर क्या होगा आपका ग्रेटर होगा और ये नंबर क्या होगा आपका स्मॉलेस्ट होगा। अब सपोज करना ये तो टू ही नंबर्स हैं, बहुत सारे नंबर गिवन हैं, जैसे 2.36, फिर यहाँ पे आ गया 3.26 या 3.19 और फिर आ गया यहाँ पे 4, यहाँ पे आ गया 9.36 और यहाँ पे आ गया 1.28, ये आ गया। अब इनमें से आपको ये चेक करना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट है, फिर उनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटर, और डिसेंडिंग क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर और एक असेंडिंग। डिसेंडिंग का मतलब क्या होगा, ग्रेटर टू स्मॉलेस्ट टू ग्रेटर, और असेंडिंग क्या होगा, ग्रेटर टू स्मॉलेस्ट। अब देखो आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि इनमें से ग्रेटर नंबर कौन सा है। देखो पॉइंट से पहले आपको कंपेयर करना है, पॉइंट से पहले यहाँ कितना है 2, पॉइंट से पहले यहाँ कितना है 3, पॉइंट से पहले यहाँ कितना है 9 और पॉइंट से पहले यहाँ कितना है 1। तो अब बताओ इनमें से सबसे ग्रेटर कौन सा है, यह है, फिर इससे स्मॉलेस्ट यह है, फिर इससे स्मॉलेस्ट यह है, और फिर इससे स्मॉलेस्ट कौन सा है आपका यह है। तो क्या आप इनको असेंडिंग ऑर्डर में नहीं ले सकते, क्या आप इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं ले सकते, लिख सकते हैं। अपन ने बात की है चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा। तो अब ये नंबर ग्रेटर है तो ये नंबर सबसे ग्रेटर हो गया डेसिमल के अंदर, फिर इससे स्मॉलेस्ट ये हो गया, फिर इससे स्मॉलेस्ट ये हो गया, फिर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आपका ये हो गया। तो जो भी नंबर आपको गिवन है उस नंबर को डेसिमल फॉर्म में जो नंबर है उनको चेक करना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा नंबर आपका स्मॉलेस्ट है। तो ये तो हो गया आपका नंबर पॉइंट फर्स्ट किसको देख करके, पॉइंट से पहले के पार्ट को देख करके और पॉइंट के पहले का पार्ट कौन सा होगा, वोल नंबर का पार्ट होगा, और जो वोल नंबर सबसे बड़ा होगा वही डेसिमल नंबर क्या होगा आपका ग्रेटर होगा, ठीक है ना। अब नंबर सेकंड में क्या चेक करोगे कि पॉइंट के आफ्टर और पॉइंट के आफ्टर कैसे चेक करते हैं। देखो सेकंड नियम क्या है, द वोल इफ वोल नंबर पार्ट इक्वल, यानी जो वोल नंबर वाला पार्ट है अगर वो इक्वल होगा फिर उसके बाद में हमको कंपेयर किसको करना है,
पॉइंट के बाद वाले नंबर्स को कंपेयर करना है। अब पॉइंट के जो बाद वाला नंबर है, एक तो आपका टेंथ पे है, एक आपका हंड्रेड पे है, एक आपका 10,000 पे है। पहले किसको चेक करोगे? टेंथ वाले नंबर को चेक करोगे। फिर अगर वो दोनों इक्वल है तो उसके बाद में कहाँ पर जाओगे? हंड्रेड पे नंबर जो लिखा हुआ उसके ऊपर जाओगे। अब चेक कैसे करते देखो, जैसे एग्जाम्पल है आपका, जी यहाँ पर लिखा 5.69 और यहाँ पर लिखा हुआ है 5.79, ये लिखा हुआ है पॉइंट के पहले और पॉइंट के पहले वाला। ये भी वो नंबर है, ये भी वो नंबर है, दोनों इक्वल है, यानी पॉइंट के पहले के दोनों नंबर इक्वल है। अब पॉइंट के बाद में पहले किसको चेक करोगे? टेंथ नंबर पे जो लिखा हुआ है, तो टेंथ पे यहाँ कितना लिखा हुआ है? 6 और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 7। इसका मतलब जो इन दोनों में से नंबर बड़ा होगा, ग्रेटर होगा, वही नंबर क्या होगा? आपका ग्रेटर होगा। तो ये नंबर क्या है? इस नंबर से क्या है? ग्रेटर है। ठीक है, अब एग्जांपल देखो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2.367 और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 2.569, इनमें से दोनों में से ग्रेटर कौन सा है? देखो पॉइंट के पहले यहाँ कितना है? 2। पॉइंट के पहले यहाँ कितना है? 2। तो पॉइंट के जो पहले वाला वो नंबर है वो दोनों में क्या है? इक्वल है। अब कहाँ जाओगे? पॉइंट के आफ्टर, पॉइंट के आफ्टर के अंदर बाद देखोगे कि ये जो टेंथ नंबर पे जो वर्ड डिजिट लिखा हुआ है, ये चेक करोगे, फिर ये चेक करोगे, तो ये भी क्या है? 3 और ये कितना है? 5। तो पॉइंट के बाद भी कितना है? 3 और यहाँ पे कितना है? 4। दोनों में ग्रेटर कौन सा है? ये ग्रेटर है, तो ये नंबर क्या होगा? आपका ग्रेटर होगा। तो इस प्रकार से आपको नंबर को चेक करना है और बताना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा नंबर आपका स्मॉलेस्ट है। अब सपोज करना पॉइंट के बाद का जस्ट टेंथ का नंबर भी, टेंथ के डिजिट भी 6 है और यहाँ भी टेंथ के डिजिट 6 है, फिर क्या करोगे? एग्जाम्पल देखो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2.56 और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 2.593, ये लिखा हुआ गया। देखो पॉइंट के पहले 2 है, पॉइंट के पहले, यानी पॉइंट के पहले वाला जो पार्ट वो नंबर का पार्ट है वो दोनों में क्या है? इक्वल है। अब कहाँ जाओगे? पॉइंट के आफ्टर, तो देखो पॉइंट के आफ्टर यहाँ कितना है? 5 और पॉइंट के आफ्टर यहाँ भी कितना है? 5। तो पॉइंट के आफ्टर वाला डिजिट है वो भी क्या है? इक्वल है। अब क्या करोगे? टेंथ पे जाओगे, टेंथ पे आ गया, अब जाओगे यहाँ पर हंड्रेड पे जाओगे, अब हंड्रेड पे जाओगे तो यहाँ पर पॉइंट के बाद में कितना है? 6 और यहाँ पे पॉइंट के बाद में कितना है? 9 है। इसका मतलब ये नंबर क्या है आपका? क्योंकि यहाँ पे 5 और 6 और यहाँ पर कितना है? 59। कौन सा नंबर ग्रेटर होगा? यही नंबर ग्रेटर है, तो ये नंबर क्या होगा आपका? ग्रेटर हो जाएगा और ये नंबर क्या जाएगा आपका? स्मॉलेस्ट। तो इस प्रकार से आपको नंबर्स जो डेसिमल नंबर है उनको कंपेयर करना है कि कौन सा नंबर आपका ग्रेटर है और कौन सा नंबर आपका स्मॉलेस्ट है, और फिर आपको बताना है इस चीज़ के लिए उनको असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में उनको क्या करना है? अरेंज करना है। तो सबसे पहले आपको ये कन्फर्म होना चाहिए कि कौन सा नंबर डेसिमल नंबर कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलेस्ट है। तो ये 2 पॉइंट है, दोनों पॉइंट आपको ढंग से देखने हैं, इनको समझना है। पहले एक बार क्या चेक करोगे? पॉइंट से पहले वाले का जो वो नंबर का पार्ट है वो चेक करोगे, फिर क्या चेक करोगे? पॉइंट के आफ्टर वाले पार्ट को चेक करोगे, कौन नंबर ग्रेटर है और कौन नंबर स्मॉलेस्ट। अब बात करेंगे किसको? एक है आपका बीच के अंदर यूनिटरी मेथड, सॉरी यूनिट मापन, यानी यूनिट को चेंज कैसे करते हैं, किलोमीटर को मीटर में, मीटर को किलोमीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कैसे करते हैं, वो अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ओके।